नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 10x10 का जब हम लोग कॉलम रेडी करते हैं तो उसमें कितना स्टील एक्चुअल हमें प्रोवाइड करना चाहिए, मिनिमम स्टील हमें क्या देना चाहिए, मैक्सिमम स्टील हमें क्या कॉलम में प्रोवाइड करना चाहिए और हमें कितना स्टील हम लोग जो 4 नंबर ऑफ सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं 12 mm का वो सही हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, कितना परसेंटेज ऑफ स्टील वो निकल के आता, तो इन सभी चीजों को हम लोग 10x10 के कॉलम का, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेइनफोर्समेंट बार इन कॉलम एज पर IS 456। ठीक है, 456-2000 के हिसाब से जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, हम लोग जानते हैं मिनिमम स्टील जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, कॉलम में जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए, और मैक्सिमम जो प्रोवाइड करना चाहिए वो 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, लेकिन 6% एक्जैक्टली हम लोग कभी नहीं प्रोवाइड करते, मैक्सिमम लोग 4% ही रखते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना हमें, अगर प्रैक्टिकली जाए तो 4% से ज्यादा हम लोग किसी में स्टील नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 6% होता है लेकिन हम 4% तक प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम 0.8% होता है। तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, जो 10x10 साइज का हम लोग कॉलम रेडी करते हैं अपने घर में, तो उसमें हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि पता चलेगा कि 0.8% मेरा मिनिमम स्टील प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, या कितना परसेंट हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसको किस तरीके से चेक करेंगे, इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब होता है, अगर यहां से आप कॉलम को कट कर रहे हैं तो इस एरिया को जो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो उसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो कॉलम साइज हम लोगों ने 10x10 साइज का हम लोगों ने कॉलम लिया हुआ है, अगले आने वाले वीडियो में हम लोग 10x15 भी लेके देखेंगे, 12x15 का भी देखेंगे, अलग अलग साइज के कॉलम का देखेंगे। तो आज हम लोग बेसिक सबसे जो कम साइज का हम लोग कॉलम बनाते हैं 10x10 साइज का हम लोग बनाते हैं उसी का हम लोग देखने वाले हैं। तो हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 250mm x 250mm का हम लोग कॉलम देख रहे हैं। ठीक है, और स्टील जो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले जनरली जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं 12mm का हम लोग 4 सरिया प्रोवाइड करते हैं, जनरली 12mm का 4 सरिया हम लोगों ने ले रखा है कि अगर 12mm का 4 सरिया जब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज हम लोग एक्चुअल में स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हम लोग स्टील निकाल देते हैं, तो ये हमारा स्टील है, इसका क्रॉस सेक्शनल कट करने के क्रॉस सेक्शनल एरिया कट कर रहे हैं तो π/4d² हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, तो π/4 12×12 के ये d² हो गया, तो 113.04 हमारा एरिया आ गया। ठीक है, यहां से mm² आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि टोटल 4 नंबर हम लोग बार लेंगे, इसमें स्टीरअप काउंट नहीं होता है। ठीक है, याद रखें इसमें मैन बार सिर्फ काउंट होता है, स्टीरअप नहीं काउंट होता है। ठीक है, तो mm² हो गया। ठीक है, यहां mm² हो गया 113.04×4 कर दिए, 4 नंबर ऑफ बार है, स्टीरअप काउंट नहीं होता है, पहले में बता दिया, तो टोटल एरिया आ गया कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया 452.6mm² ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट निकालिए, ये जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट का सेक्शन जो हमारा कॉलम का है उसी का हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल, सेक्शन काटने के बाद एक हमारा ये बी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा 10 इंच इधर भी है, 10 इंच इधर भी है। ठीक है, तो mm में जाइए, 250×250 करना पड़ेगा, तो 250mm × 250mm, तो इतना mm² हमारा क्या आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम हमारा आ गया 62,500। ठीक है, अब परसेंटेज स्टील हम लोग निकालते हैं कितना परसेंट स्टील हुआ, तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील कितना है, 452.16 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम कितना हो गया, 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, परसेंटेज स्टील निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देख सकते हैं 0.72%, मात्र 0.72%। आप लोग अगर 10x10 साइज के कॉलम में अगर 4 नंबर ऑफ सरिया आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप केवल 0.7% आप लोग सरिया यूज कर रहे हैं, जो हमें मिनिमम जो प्रोवाइड करना चाहिए वो कितना 0.8% प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 4 सरिया जो होता है कम काउंटिंग काउंटेबल है, कम से कम हमें 6 सरिया प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम लोग एक 4 सरिया का एग्जांपल देख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं 6 सरिया का एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 6 सरिया हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा निकल के आता है, तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम पहले से पता है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हम लोग क्या निकालते हैं स्टील निकाल लेते हैं, वो भी हमें कैलकुलेटेड है। अगर एक हमारा
क्रॉस सेक्शनल एरिया एक स्टील का हमें पता है, तो टोटल नंबर ऑफ 6 हमारा लगना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उन्होंने फिर से लिख रखा है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिए। इसको आप लोग अपने साइट पे जो सरिया लगा रहे हैं अभी जरूर आप लोग खुद से कैलकुलेशन करके चेक करें, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, तो इसको खुद से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील जो यहां से आ जाएगा वो 678.24 स्क्वायर आ जाएगा, यहां से आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए परसेंटेज स्टील निकालने पे आते हैं, तो 678.24 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 62,500, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम था, जो पिछले में भी हम लोगों ने यही रखा हुआ था, यही हमारा कैलकुलेट हो गया है। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना, तो उसके बाद आपको जो निकल के आएगा 1.08, मतलब 1.08% क्या हो रहा है, अगर 6 सरिया हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 12 mm का, अगर 6 नंबर ऑफ सरिया आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 12 mm का, देन क्या हो रहा है 1.08% ऑफ स्टील हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जो हमारा सही है। 0.8% से ज्यादा है हम लोग, और 1% हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। वहीं आप 4 नंबर ऑफ स्टील अगर प्रोवाइड कर रहे हैं आप 12 mm का, 10x10 साइज के कॉलम का मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है, 10 इंच बाय 10 इंच का, जो 250 mm बाय 250 mm में देखिएगा, तो 250 mm बाय 250 mm की मैं बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में आपको परसेंटेज स्टील जो आ रहा है 0.7% आ रहा है। तो आपका क्या ये गलत है, क्योंकि मिनिमम स्टील से भी हम लोग कम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा सही है, 6 सरिया हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 सरिया हमारा क्या कम आता है। तो ये हम लोगों ने आज देखा है कि किस तरीके से आप लोग अपने कॉलम में कितना सरिया दिया हुआ है, उसको अपने से फाइंड कर पाइएगा कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ स्टील आप कॉलम में दे रहे हैं, आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर पाइएगा। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं लेके आऊंगा 10x15 साइज में कितना हमें कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए इस बात को देखूंगा, क्योंकि हम लोग ने 10x10 का देख लिया, आप लोग आगे आप लोग खुद से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 10x10 के साइज में, ठीक है, अलग अलग मैं कंडीशन बनाता हूं जनरली जो प्रोवाइड होते हैं 10x10 के साइज में, अगर 4 पीस आप अगर 16 mm प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा आ रहा है, यहीं पे अगर 8 पीस आप अगर 12 mm प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या ओवर रिइंफोर्समेंट हो जा रहा है। तो इन सभी को चेक करके आप कभी भी हमें ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन नहीं बनाना है, हमेशा अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन हमें डिजाइन करना होता है, ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन कभी भी डिजाइन नहीं करना होता है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।